इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस के गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस को डिस्कस करेंगे क्रेफिश के अंदर जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं गैसियस एक्सचेंज में या जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गिल्स अब गिल्स जो हैं दे आर अटैच टू द बेसिस ऑफ समलोथोरेसिक अपेंडिज अब गिल्स जो हैं एक चैम्बर के अंदर मौजूद हैं जिसको हम कहेंगे ब्रेंकियल चैम्बर अब ये ब्रेंकियल चैम्बर जो है दिस इज़ द स्ट्रक्चर होल्डिंग द गिल्स जिसके ऊपर वाटर की फ्लशिंग होगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होगा अब ये ब्रेंकियल चैम्बर नॉर्मली कहाँ पर प्रेजेंट है दिस इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द कैरापेज एंड द लेटरल बॉडी वॉल अब इसमें जो स्केफोगनेथाइट uh, हैं ये नॉर्मली बीट करेंगे ऑफ द सेकेंड मैगजिला दे विल ड्राइव वाटर और ड्राइव वाटर को फिर ब्रेंकियल चैम्बर में लाएंगे यहाँ पर इसकी फिर क्रॉस वेंटिलेशन होगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होंगी बिटवीन द ब्लड एंड वाटर अक्रॉस द गिल सरफेस फिर इसके अंदर एक और रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे हीमोसायनिन हीमोसायनिन नॉर्मली कैरीज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड अब इसमें वेरी स्मॉल एक्वेटिक जो हैं दे नॉर्मली एक्सचेंज गैसेस बाय द प्रोसेस विच इज़ वेरी कॉमन उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन अब डिफ्यूजन जो है दिस विल अकर डायरेक्टली अक्रॉस द बॉडी सरफेस कॉल द इंटेगोमेंट अब ऑक्सीजन जो है वो गिल्स के अंदर जाएगी इन टू द हीमोलिफ इन द सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन जो है नाउ दैट इज डिलीवर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इस डायग्राम से हम गैस एक्सचेंज के प्रोसेस को इज़ीली देख सकते हैं दिज आर गिल्स एंड द गिल्स आर प्रेजेंट इन साइड दिस चैम्बर दैट इज़ बिटवीन द कैरापेज एंड द बॉडी कैिटी इट इज़ कॉल्ड ब्रेंकील चैम्बर और इंटेगोमेंट के थ्रू जो है डायरेक्ट डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा ऑस्ट्रिया के थ्रू जो है इसमें वाटर एंटर होगा दिस विल क्रॉस द गिल्स एंड थ्रू दिस क्रॉसिंग ओवर ऑफ वाटर ऑक्सीजन विल एंटर इन टू द रेस्परेटरी पिगमेंट हिमोसायानिन एंड इज नाउ टेकन टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इन द सिमिलर वे कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज आउट